बिजली पानी खाद सहकारी सोसाइटी में व्याप्त भ्रष्टाचार सहित अन्य समस्याओं को लेकर विभिन्न किसान संगठनों के प्रतिनिधियों ने कलेक्टर से मुलाकात की। किसान संगठनों ने भूमि अधिग्रहण और गुणवत्तापूर्ण बीज उपलब्धता को लेकर भी चर्चा की। कलेक्टर ने प्रत्येक 2 माह में संगठनों के साथ बैठक करने का तय किया। देखिए ये खास रिपोर्ट। गेहूं के बाद अब समर्थन मूल्य पर सोयाबीन की खरीदी अनाज मंडियों में प्रारंभ हो गई है। इस बीच कलेक्टर आशीष सिंह ने प्रांतीय और जिला स्तर के विभिन्न किसान संगठनों के प्रतिनिधियों के साथ चर्चा की। दरअसल किसान संगठनों की कई समस्या और मांग है, जिसे लेकर उन्होंने कलेक्टर से समय लिया था। बैठक के दौरान खाद की उपलब्धता, बिजली की समस्या और पानी को लेकर किसान संगठनों ने चर्चा की। साथ ही किसान संगठनों ने भूमि अधिग्रहण का मुद्दा उठाया। बैठक में सहकारी समितियों में व्याप्त भ्रष्टाचार भी किसान संगठन मुखर हुए। किसान संगठनों के अनुसार सोसाइटी में घोटाले करने वाले मजे में हैं और किसान परेशान हो रहे हैं। आज जो किसान से संबंधित जो समस्याएं हैं, खाद को लेकर, बिजली को लेकर, सहकारिता को लेकर, भू अधिग्रहण को लेकर, ये सारे विषय पे अलग अलग चर्चा हुई और विशेषकर पश्चिमी रिंग रोड जो बन रहा है उस पर चर्चा हुई, गाइडलाइन पे चर्चा हुई। क्योंकि आज से 3-4-5 साल पहले गाइडलाइन 20% कम कर दी गई थी, जो कि आज की तारीख में ज़मीनों के मूल्य बहुत बढ़ गए हैं, 3 गुना तो रेट बढ़ गए, लेकिन गाइडलाइन वही चल रही है। तो कम से कम 50-60% गाइडलाइन बढ़े और किसानों को अच्छा मुआवजा मिले। और जो मध्य प्रदेश में जो इंदौर शहर का जो विकास हो रहा है, वो विकास जो हमारे आस पड़ोस के जो गुजरात है, राजस्थान है, गुजरात में जैसे गांधीनगर, अहमदाबाद में जिस प्रकार की सरकार ने योजना लेके, वहाँ की जो राज्य सरकार ने योजना लेके आई है, वहाँ पर जो विकास चल रहा है, क्यों नहीं उस पैटर्न पे हम इंदौर शहर का विकास करें, जो किसान को भी नुकसान नहीं हो और शहर का विकास भी नहीं रुके। तो इसलिए इस विषय को लेकर सारे विषय पर चर्चा हुई और ये संवाद हर 2 महीने में हमारी बैठक होगी प्रशासन के साथ, और जो भी किसान से संबंधित मुद्दे रहते हैं वो किसान संघ के माध्यम से उठाए जाते हैं। और सहकारिता विभाग में बहुत भ्रष्टाचार हुआ कई सोसाइटियों में, लेकिन आज दिनांक तक उन सोसाइटियों के जो अधिकारी है उन पर किसी भी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं की है। तो करोड़ों का 5-5, 6-6 करोड़, 7-7 करोड़ के सोसाइटियों में घोटाले हुए हैं, जो आज दिनांक तक वो किसान भी परेशान है और जिन्होंने घोटाला किया है वो सारा हम घूम रहे हैं। कलेक्टर आशीष सिंह के मुताबिक बैठक सार्थक रही। किसानों की कई समस्याओं की जानकारी सामने आई है, खासकर बिजली की। उन्होंने बताया कि 2 सहकारी समितियों की जांच नहीं हुई है, जल्दी जांच कर किसानों को राहत देने का प्रयास किया जाएगा। देखिए, किसान संगठनों के साथ जो बैठक हुई है उसमें 2-3 जो है अच्छी चर्चाएं हुई है। पहले तो कुछ MPB से संबंधित समस्याएं हैं, जहाँ पर कहीं पर लाइन के मेंटेनेंस की आवश्यकता है, कहीं पर टेम्परेरी कनेक्शंस जो हैं वो दिए अधिक देने पे फोकस किया जा रहा है, तो वो संबंधित अधिकारियों को इस हेतु निर्देशित किया गया है। इसके साथ साथ कुछ अन्य मुद्दे जो भूमि अधिग्रहण से संबंधित थे या राजस्व से संबंधित थे, वो भी उनके द्वारा उठाए गए, उनको सबको नोट किया गया है। और अब हम लोग कोशिश करेंगे कि हर 2 महीने में किसान संगठनों के साथ एक ऐसी बैठक आयोजित करी जाए। सहकारिता को लेके भी था, 2 ऐसी सोसाइटीज़ हैं जिनकी जांच करीब करीब 2-3 सालों से पेंडिंग है, जिसकी जाँच बहुत जल्दी पूरी कराई जाए। बैठक में गुजरात की तर्ज पर भूमि अधिग्रहण करने की बात किसान संगठनों ने कही। ब्यूरो रिपोर्ट, MP News, इंदौर।